Our next lesson is lesson 12, our festivals, हमारे त्योहार. हम कौन कौन से फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं? द मेन फेस्टिवल्स आर दिवाली, क्रिसमस, राखी, ईद, ओनम, गुरु पर्व. दीज आर द मेन फेस्टिवल्स. होली, ये सब हम सेलिब्रेट करते हैं. अब क्या क्या करते हैं कौन से फेस्टिवल पर, उसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे. बर्थडे इज ए स्पेशल डे फॉर एवरी चाइल्ड. अब बर्थडे भी एक फेस्टिवल की तरह ही होता है. हर एक चाइल्ड के लिए वो एक स्पेशल डे होता है और हर एक चाइल्ड अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना भी चाहता है. चिल्ड्रन लव टू सेलिब्रेट देयर बर्थडेज विद देयर फ्रेंड्स. बच्चों को क्या पसंद है? अपने दोस्तों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना, मनाना अच्छा लगता है. इट इज़ द डे व्हेन यू कट योर बर्थडे केक एंड गेट मैनी गिफ्ट्स. ये वो दिन है जिस दिन आप केक कट करते हो और बहुत सारे गिफ्ट्स आपको मिलते हैं. वी ऑल्सो सेलिब्रेट फेस्टिवल्स विथ अवर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड. हम अन्य और भी त्यौहार अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ मनाते हैं. फेस्टिवल्स आर फुल ऑफ फन एंड हैप्पीनेस. फेस्टिवल में हम खुशियाँ मनाते हैं और मज़े करते हैं. चिल्ड्रन गेट न्यू क्लोथ्स टू वेयर एंड लॉट ऑफ टेस्टी थिंग्स टू ईट. बच्चों को नए कपड़े पहनने के लिए मिलते हैं और अच्छी अच्छी टेस्टी मिठाइयाँ और स्वीट्स और नमकीन मम्मा घर पे बनाती है तो खाने को मिलता है. वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, ओनम, बिहू एंड पोंगल. ये डिफरेंट फेस्टिवल्स हैं वो हम सेलिब्रेट करते हैं. दिवाली इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट. दिवाली जो है वो रोशनी का त्यौहार है. पीपल क्लीन एंड डेकोरेट देयर हाउसेज विथ फ्लावर्स एंड लाइट्स. लोग अपना घर अच्छे से डेकोरेट करते हैं और फ्लावर्स और लाइटें लगाते हैं, दिया भी लगाते हैं. स्पेशल प्रेयर्स आर हेल्ड ऑन दिस डे. और स्पेशल प्रेयर हम किसकी करते हैं? लॉर्ड लक्ष्मी की प्रेयर करते हैं, पूजा करते हैं हम. देर आर कलरफुल लाइट्स ऑल ओवर द स्ट्रीट एंड मार्केट्स. अब चारों तरफ दिवाली का त्यौहार जब आता है तो हम मार्केट जाते हैं तो मार्केट में भी सब तरफ बहुत सारी लाइटें लगी रहती है. सड़कों पर भी अच्छी अच्छी रंग बिरंगी लाइटें देखने को मिलती हैं हमको. पीपल डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स एंड गिफ्ट्स अमंग रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स. और लोग आपस में एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और स्वीट्स भी अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. देखो आप पिक्चर में दिए जगा रखे हैं. दिवाली पे हम सब दिए लगाते हैं. कुछ बच्चे और फैमिली फटाखे जला रही हैं, ये आप देख रहे हो इस पिक्चर में. आप भी अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करते होंगे अपनी फैमिली के साथ. सम पीपल बर्न फायर क्रैकर्स ऑल्सो. कुछ लोग फटाके भी जलाते हैं. द स्मोक एंड द नॉइस प्रोड्यूस बाय क्रैकर्स आर हार्मफुल फॉर अस. जो आवाज़ फटाकों से आती है ना, और जो धुआं निकलता है वो हमारे लिए हार्मफुल है, हानिकारक है. समटाइम्स एक्सीडेंट्स ऑल्सो हैपन. कुछ कभी कभी तो कोई एक्सीडेंट भी हो जाता है, कोई जल जाता है फटाकों से. चिल्ड्रन गेट बर्न बाय द क्रैकर्स. बच्चे फटाके से जलने का उनका डर रहता है. सो वी शुड अवॉइड देम. तो हमें उसको अवॉइड करना चाहिए, नहीं जलाना चाहिए. या फिर जलाएं तो बहुत ही सावधानीपूर्वक उसको जलाना चाहिए. हरे कृष्णा. आगे का फेस्टिवल के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. हमने प्रीवियस क्लास में दिवाली फेस्टिवल के बारे में पढ़ा था और बच्चे बर्थडे अपना कैसे सेलिब्रेट करते हैं ये पढ़ा था. अब नेक्स्ट फेस्टिवल के बारे में पढ़ेंगे, ईद. ईद इज सेलिब्रेटेड बाय प्रेइंग इन द मॉस्क. ईद कैसे सेलिब्रेट किया जाती है? मॉस्क में जाके, मस्जिद में जाकर, प्रेयर कर कर.
पीपल एम्ब्रेस वन अनादर एंड से ईद मुबारक। पीपल मतलब लोग एक दूसरे को गले मिलते हैं और ईद मुबारक कहते हैं। आप देख रहे हो पिक्चर में एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, इधर बच्चे मिल रहे हैं एक दूसरे से गले, और इधर बड़े लोग अपने एक दूसरे से गले मिलकर ईद मुबारक सेलिब्रेट कर रहे हैं। चिल्ड्रन गेट न्यू क्लोथ्स एंड गिफ्ट, बच्चों को इस दिन भी नए कपड़े मिलते हैं और गिफ्ट भी मिलते हैं। पीपल इंजॉय ईटिंग सेवैया खीर एंड अदर स्पेशल डिशेज। इस दिन लोग सेवैया खीर खाना पसंद करते हैं, बनाते हैं, और भी स्पेशल डिशेज घर में बनती है। ऑन क्रिसमस डे पीपल गो टू प्रेयर इन द चर्च एंड विश मैरी क्रिसमस टू वन अनादर। अब क्रिसमस के रोज क्या करते हैं, चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं और एक दूसरे को मैरी क्रिसमस विश करते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो, ये चर्च का पिक्चर है और कैसे कितनी सारी लाइटें लगी हुई है, कितने अच्छे से डेकोरेट किया गया है, और ये सेंटा क्लॉज के पिक्चर हैं। ढेर सारे सेंटा क्लॉज यहाँ पे चर्च में प्रेयर करने आए हैं। पीपल डेकोरेट देयर हाउसेस एंड द क्रिसमस ट्री। लोग अपने घरों को डेकोरेट करते हैं इस दिन भी और क्रिसमस ट्री बनाते हैं। चिल्ड्रन गेट न्यू क्लोथ्स एंड गिफ्ट्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स। बच्चों को इस दिन भी नए कपड़े मिलते हैं अपने पेरेंट्स से और रिलेटिव्स से। दे ऑल्सो वेट फॉर गिफ्ट्स फ्रॉम सेंटा क्लॉज। वो सेंटा क्लॉज का भी इंतज़ार करते हैं कि वो भी हमें आकर कुछ ना कुछ गिफ्ट देगा। अब नेक्स्ट पर्व है गुरु पर्व। गुरु पर्व इज सेलिब्रेटेड बाय प्रेइंग इन द गुरुद्वारा फॉलोड बाय लंगर और फ्री फूड फॉर ऑल। गुरु पर्व जो है वो पंजाबी लोगों के द्वारा गुरुद्वारा में मनाया जाता है। गुरुद्वारा में जाकर वो लोग प्रेयर करते हैं और उस दिन वहाँ पर लंगर का आयोजन होता है जिसके अंदर लोगों को फ्री में खाना बांटा जाता है। एज यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द टेम्पल, गोल्डन टेम्पल, ये अमृतसर में ही गोल्डन टेम्पल गुरुद्वारा। यहाँ पर लोग आकर गुरु पर्व को सेलिब्रेट करते हैं इस टेम्पल में आकर। प्रोसेशंस आर टेकन आउट ऑन दिस ओकेशन। इस दिन लोग जुलूस भी निकालते हैं, जो पंजाबी लोग हैं वो जुलूस निकालते हैं। जैसे आप देख रहे हो ये जुलूस निकल रहा है। द गुरुद्वारास एंड स्ट्रीट्स आर डेकोरेटेड विथ लाइट। और जो भी गुरुद्वारा होता है वो लाइट से अच्छे से डेकोरेट किया जाता है, हर तरफ लाइट्स लगा दी जाती है गुरुद्वारों पर। एक्टिविटी वन, मेक अ ग्रीटिंग कार्ड टू विश योर फ्रेंड और हिज और हर फेवरेट फेस्टिवल। यू मे यूज ओल्ड वेडिंग कार्ड्स फॉर दिस पर्पस। अब इस एक्टिविटी को आप खुद घर पर करना। आपको किसी भी एक फेस्टिवल के लिए एक ग्रीटिंग कार्ड बनाना है जिसके अंदर आप अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को विश भेज सको। और आप पुराना जो शादी का कोई कार्ड आपके पास रखा है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हो नया ग्रीटिंग कार्ड बनाने के लिए। देर आर सम फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड बाय द होल नेशन। कुछ ऐसे फेस्टिवल्स भी हैं जो वो पूरा राष्ट्र मनाता है। वी कॉल देम नेशनल फेस्टिवल। वो फेस्टिवल्स क्या कहलाते हैं, राष्ट्रीय त्यौहार कहलाते हैं। इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती आर द थ्री नेशनल फेस्टिवल्स। अब तीन नेशनल फेस्टिवल जो राष्ट्रीय फेस्टिवल है वो कौन कौन से हैं हमारे देश में। तो फर्स्ट है इंडिपेंडेंस डे, 15 अगस्त, जो कि हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हम मनाते हैं। रिपब्लिक डे और गांधी जयंती, ये तीनों हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं। इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त। इंडिपेंडेंस डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 15 अगस्त को। रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी। रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 26 जनवरी को। स्पेशल परेड इज ऑर्गेनाइज्ड इन दिल्ली ऑन दिस डे। दिल्ली में एक स्पेशल परेड का ऑर्गेनाइज की जाती है इस दिन। जैसा आप पिक्चर में देख रहे हो ये लोग परेड करते हुए जा रहे हैं। गांधी जयंती, द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी, इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर।
अक्टूबर। अब गांधी जयंती जो है, महात्मा गांधी का बर्थडे है, तो वो भी नेशनल फेस्टिवल के रूप में 2 अक्टूबर को हमारे देश में मनाया जाता है। हरे कृष्णा, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।